बच्चों, आज हम आपको रेशन नंबर के बारे में बताएंगे। और रेशन नंबर को इंग्लिश में, को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ऐसी परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसमें क्यू कभी जीरो ना हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पी और क्यू दोनों को प्राइम नंबर सहअभाज्य हैं, ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कैसे बनती है? परिमेय संख्या को बनने के लिए पहले हमें पूर्णांक का ज्ञान होना चाहिए। पूर्णांक से पहले आपकी जो प्राकृत संख्या है और होल नंबर्स का भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले नंबर, और नंबर के टू पार्ट होते हैं। रियल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और रियल नंबर, सॉरी, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अब जो रेशनल नंबर में जो हम आप देखते हैं, रेशनल नंबर के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर और अदर है होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर ऐसे नंबर जो जिनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो वन से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, ये इनको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कैसी है? ऐसी संख्या जिनका हम स्क्वायर रूट क्लियर तौर से फाइंड नहीं कर पाते, मीन्स उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर रूट माइनस थ्री, स्क्वायर रूट माइनस टू, स्क्वायर रूट माइनस फाइव एंड ईटीसी। दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब रेशनल नंबर में दूसरा इसका जो पार्ट आ जाता है, देखते हैं कि आज जो आपके टॉपिक के बारे में बता रहे थे रेशनल नंबर, वो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संख्या 3 है, जब क्या 3 संख्या रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 3 को हम 3 अपॉन क्यू के रूप में यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसमें जो पी है वो 3 है और क्यू है वो 1 है। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। दूसरा आता रेशनल नंबर का अदर नेम ऑफ दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या निकालते, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो सॉरी जिनका वर्गमूल हम क्लियर तौर से फाइंड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3 अर्थात अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स का जब हम √2 फाइंड करते हैं तो क्लियर तौर से फाइंड नहीं होता। जैसे आपने √2 का जब हम वर्गमूल फॉर्म निकालेंगे तो ये फर्स्ट टाइम का फाइंड करेंगे, 1² बन गया 1, फिर आपने पॉइंट लगा दिया 1 आ गया, फिर ये 00 बढ़ गया, 1 का 2 टाइम्स 2 होगा, फिर देखा आपने कितने टाइम्स होगा, 4 4 4 16, 4 2 8 9। फिर आगे आपने ये सब्ट्रैक्ट किया,
हंड्रेड में से 96 फोर बचा, फिर एटोमेशन डबल जीरो बढ़ जाएगा और डबल जीरो वन पॉइंट फोर का टू टाइम्स करने वन जीरो हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे वन टाइम्स डिवाइड होगा तो ये टू। अगर इसी प्रोसेस को हम आगे करते जाएं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो सुबह से ही लेकर के यानी अभी से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं शाम तक अगर निकालते रहें तो स्क्वायर रूट निकलता ही जाएगा, अंत नहीं होगा। जो अंत नहीं होगा तो इस प्रकार के नंबर को आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट आई एंड अदर नंबर आर कौन अपरिमेय संख्या। तो ये रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको ध्यान देना मुख्य तौर से कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, रेशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सिंपल तौर से जैसे अन्य सभी संख्याओं को करते हैं। जैसे टू प्लस थ्री, ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो योग क्या आएगा, फाइव। क्या योग आएगा, फाइव। तो फाइव इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। फाइव कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये आज आप जान होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर और पार्ट होते हैं। जैसे अभी आपने हमें केवल आपके टॉपिक में था रेशनल नंबर, इसके दियर टू टाइप्स ऑफ नेगेटिव और सॉरी पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ऐसे नंबर जो क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव आठ आउट है, और नेगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव आठ आउट ऑफ इंटीजर। ये आपके नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों के दोनों ये पूरे जो आपके किस्म आते हैं रेशनल नंबर, इसमें आ जाते हैं रेशम, क्योंकि इनको हम पी एफ फॉर्म की के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर। अब परिमेय संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई संख्या आ जाती है वन पॉइंट टू या रेशम नंबर, दूसरा नंबर आपने ले लिया वन पॉइंट थ्री, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट थ्री इन दोनों का एलसीएम है, तो एलसीएम क्या आएगा, सिक्स। एलसीएम टू और थ्री का एलसीएम क्या होगा बच्चों, सिक्स। और टू से सिक्स को डिवाइड करेंगे तो टू से सिक्स को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स डिवाइड होगा, थ्री टाइम्स। तो जो आपके पास न्यूमरेटर है यहाँ पर वन है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री का, फिर ये जो प्लस का साइन है प्लस का लगा देंगे, माइनस का साइन है माइनस, फिर थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री टू या सिक्स, कितने टाइम्स हुआ, टू टाइम्स, और तो वन वन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू का, तो ये जो रिजल्ट आएगा वन इंटू थ्री थ्री होगा, वन इंटू टू टू होगा और डिवाइडेड बाई सिक्स, तो थ्री प्लस टू का जो सम होगा वो फाइव होगा, और फाइव पॉइंट सिक्स क्या होगा, आंसर। और जो फाइव पॉइंट सिक्स कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हमने पी एफ वन क्यू के रूप में व्यक्त किया है और इसमें क्यू जीरो नहीं है। ऐसी आप सब्ट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन वाले आते क्वेश्चन उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री। सेम क्वेश्चन है,
नाउ दिस इज वन एलसीएम, इस प्रकार से लेंगे अंश आपका आएगा एलसीएम 6 आएगा, तो से इसको डिवाइड करें 2 3 6 तो 1 3 होगा, माइनस का साइन करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6 तो यहाँ 1 2 2 1 2 2 इसको सॉल्व किया 1 3 3 माइनस 1 2 2 2 अपॉन 6 तो 3 - 2 = 1/6 अब 1/6 कैसा नंबर है बच्चों? रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर p / q के रूप में व्यक्त है। आंसर ठीक है।